हमारे सरकार को बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े अकीदतों के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े एहतराम के साथ हमारे सरकार को स्टेज पर लाया जा रहा है। हमारी दिली दुआ है, हमारी दिली दुआ है अल्लाह हमारे सरकार को पूरे मुल्क का मुख्यमंत्री बना दे। अच्छा लगता है, सबके साथ अच्छा करते हैं, हम लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, हिंदुओं के साथ भी अच्छा करते हैं। और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हूँ और मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने 3 तलाक पर काम करा है। मोहन भागवत जी हैं, इनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे भी हम बहुत अच्छा मतलब खुश हैं। और अगले हम चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आए चुनाव। 24 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रिपीट होंगे और अच्छे बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। सितम तो यह है कि हमारी सफों में शामिल है चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। सबसे पहले आप तमाम को रमजान के मुकद्दस महीने की मुबारकबाद। आज के इस मौजू में दो बातें हैं। क्या वाकई इस दौर के फिरौन के सामने आज का मुसलमान हथियार डाल चुका है? क्या वक्त के फिरौन से लड़ने की ताकत अब इनमें नहीं रही? और दूसरा मौजू यह है कि क्या रमजान रोजेदारों का है या फिर ताजिरों का? खैर, इस बात को शुरू करने से पहले इस बात को भी वाज़ह कर दूं कि किसी की मुखालफत में या किसी की हिमायत में मौजू नहीं है। पर जब किसी मुसलमान को बातिल ताकतों से समझौता करते हुए देखा जाता है तो बड़ा अफसोस और तकलीफ भी होती। गोकाक में रमेश जारकीवाड़ी का वीडियो मुझे दिगर शहरों से भेज कर कईयों ने पूछा कि क्या ये बेलगाम का है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ और बेलगाम में मुसलमानों का भाजपा को समर्थन के नाम से इस वीडियो को वायरल किया जाए। जाहिर से देखकर बुरा भी लगा। ऐसा नहीं कि हमें किसी लीडर से जाती तौर पर कुछ शिकवा शिकायत है, लेकिन सोच और फिक्र से एतराज जरूर है। आप जाती तौर पर तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिस विचारधारा से आप जुड़े हैं उस पर हमें एतराज जरूर है। यकीनन जब कुछ लोगों से हमने गोकाक में मुसलमानों से राब्ता किया तो रमेश जारकीवाड़ी मुसलमानों से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और वैसे भी जारकीवाड़ी भाइयों का दबदबा पहले से गोकाक में रहा है। 2014 के बाद मोदी हुकूमत का तसल्लुत रहा और तब से कुछ लोग दिगर पार्टियों से निकलकर भाजपा का दामन थामने लगी। ऑपरेशन कमल के जरिए से कर्नाटक की हुकूमत को भी गिराई गई और उसमें अहम किरदार के तौर पर रमेश जारकीवाड़ी को ही देखा जाता है। भाजपा के हाथ धर्म का कार्ड लगा और जब भी आवाम किसी और मसाइल पर सवाल हुकूमत से पूछती है तो मुसलमानों को सामने लाकर दिशाभूल किया जाने लगता है। और अब ये सभी जानते हैं, लेकिन मुसलमानों का भाजपा में दाखिल होना कहां तक दुरुस्त, इस पर अक्सर तबादले ख्याल करते हुए भी अवाम में देखा जा रहा है। जिस पार्टी का मौकूफ ही मुस्लिम दुश्मनी है, पार्टी लाइन ही एंटी मुस्लिम है, उस पार्टी में शामिल होने वाले अच्छे लीडर की हिमायत कहां तक दुरुस्त, ये भी सवाल उतना ही अहम है और वो सवाल गश्त भी कर रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग माशरे में बढ़ने लगे जिन्हें भाजपा और भाजपा के लीडर अच्छे लगने लगे। गोकाक में भी इसी तरह की तस्वीर है। आज का तबसरा सिर्फ गोकाक के वीडियो पर नहीं है, कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जहां मुसलमान भाजपा का दामन थामने के लिए उतावले होते जा रहे हैं। पूरे तारीख के औराक अगर पलट कर देखेंगे तो जब आइडियोलॉजी की जंग होती है तो फिर सामने कौन है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बदर के मार्के को भी देखेंगे तो सामने मुशरिकीन मक्का, वो रिश्तेदार ही तो थे, लेकिन जब सोच और फिक्र का फासला आता है तो फिर सामने कौन रहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी शख्स को देखकर मुस्लिम मुखालिफ पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये तमाम बातें आपको तारीख की किताबों में दर्ज मिलेंगी। भाजपा जनसंघ की कोख से पैदा हुई सियासी पार्टी है। जनसंघ हिंदू राष्ट्र चाहती है, मुसलमानों को दूसरे नंबर की शहरियत इनका एजेंडा है। कुल मिलाकर देखेंगे तो भाजपा के निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नजर आएंगे। वैसे तो दूसरे तीसरे नंबर पर आप दलित और ईसाई को रख सकते हैं, लेकिन जहां भी मुसलमानों के खिलाफ उनको मौका मिलता है वो उसे इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम नामों को, मुस्लिम तहजीब को मिटाने की मुकम्मल कोशिश जारी है। गाँव के नाम बदल दिए जा रहे हैं। मुस्लिम होने की बिना पर तिजारतों का बायकॉट करने का ऐलान भाजपा और संघ की जानिब से किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग में कई मुस्लिम बेगुनाह मुसलमानों की जानें चली जा रही है, चली गई है। गुजरात जैसे फसाद में मुस्लिम माँ बहनों की अस्मत रिजी की गई, मस्जिद दरगाह को निशाना बनाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संसद के बगल में संविधान को जलाने वाले किस विचारधारा से थे? टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर रोजाना तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले किस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और अब कुछ जाती मुफाद के लिए हम ये कह दें कि नहीं, भले ही भाजपा या संघ विचारधारा से हो, लेकिन हमारे यहाँ इनको ही जिताना पड़ता है, कहां तक दुरुस्त हो सकता है? एक बार फिर कह रहे हैं, यकीनन पी राजू, अनिल बेनके या रमेश जारकीवाड़ी, इससे पहले सुरेश अंगड़ी,
बतौर इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिस विचारधारा से ये जुड़े हैं उसे इसलिए हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि वो शख्स ذاتی तौर पर अच्छा है, ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। इससे पहले जितने भी मार्के हुए फिर किस बात का इख्तलाफ था? नजरिया सोचो फिक्र जब अलग होती है तभी तो इख्तलाफ होते हैं। समझौता करने के लिए जितने भी बुजुर्ग काई शौदा गुजरे हैं इनके सामने तो कई ऑफर्स भी रखे गए थे। टीपू सुल्तान और सावरकर में यही तो फर्क है। टीपू सुल्तान के सामने भी तो मैदान छोड़कर भागने का रास्ता था, चाहे तो फरार राह अख्तियार कर सकते थे, लेकिन 6 बार माफी मांगकर अपनी जान बचाने वालों में अपना शुमार नहीं किया बल्कि तारीख ही जुमलेदार आए। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। कहां तक जहनी गुलामी में मुबतला होकर समझौता होते रहेंगे? आखिर कितने दिन की जिंदगी है ये? जहां भी जमीर के सौदे की बात आती है तो अपने जानों के नजराने पेश करने की जब कौम जुरत करती है तो तारीख के और आंख भी खून से रंगीन होने लगते हैं, और वहीं से तारीख लिखी जाती है। जहनी गुलामी में मुबतला लोग कभी तारीख नहीं लिखा करते। अब तो कुछ खवातीनों को भी भाजपा मोदी योगी की शान में कसीदे पढ़ते हुए देखा जा रहा है। जब सोच और फिक्र नजरिए की बात आती है तो सामने कितना भी अच्छा शख्स हो इससे किनारा करना ही बेहतर हो सकता है। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों इसमें दखल दे रहे हो, बड़े इल्मी माहिरीन अपने आप को दीनी सियासी रहनुमा समझने वाले भी अब डायस पर भाजपा लीडरों के शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा दीनी इल्म नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर है कि जब कलमे तैयबा की अजमत अपने अंदर उतर जाती है तो कोई सियासी लीडर या सियासी लीडरों के हिमायती डरा नहीं सकते, और कोशिश यही है कि सच और सही बात पर तबसरा करता रहूं। बेलगाम शहर में भी अब सावकार की हिमायती बढ़ रहे हैं। हो सकता है उन्हें आज का मौजू कुछ ठीक ना लगे, लेकिन बात सही और गलत की है तो बोलना भी जरूरी है। मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ लीडर और गिरोह ने उम्मत के इत्तेहाद को तार तार करके रख दिया। आने वाले हालात बहुत ही खतरनाक है। आज जिस पार्टी में शामिल होना फख्र समझा जा रहा है यह अलग बात है कि वहां पर दाखिला नहीं दिया जा रहा, लेकिन कई सारे मुंतजर हैं मुसलमान कहलाने वाले, इन्हीं के जरिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वक्ती मुफाद की खातिर आखिरत की लामहदूद जिंदगी से समझौता करना कहां तक अकलमंदी का सौदा हो सकता है? यकीनन आज का दौर मुफाद परस्ती का है। यहां अमल नेक नीति ईमानदारी से ज्यादा चापलूसी मुखबिरी मुनाफिका ज्यादा फायदेमंद नजर आती है, लेकिन यह तमाम वक्ती है। कितने लोगों को हमने अपने ही कंधों पर कब्रिस्तान छोड़ा है, कल को हमें भी कोई ले जाएगा। हर चीज के हर मामले के दायरे होने चाहिए जिसे हम किसी हाल में पार करने की जरूरत न करें। हो सकता है बड़ी इमारतें, कोठियां, अपार्टमेंट, महंगी कारें, लाखों का बैंक बैलेंस सभी तो हासिल हो सकता है, लेकिन अल्लाह को जो मतलूब है उससे हम महरूम हो गए तो फिर हमसे गरीब कौन हो सकता है? खासकर अपने आप को दीनी रहनुमा समझने वाले गुरेज करें, परहेज करें, क्योंकि तुम्हें देखकर कुछ लोग अमल करते रहते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि कई खवातीन भी भाजपा मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा जमहूरी मुल्क में सभी को इजाजत है, लेकिन कहीं तो ईमान और उसूल की भी तो बात है। इसका मतलब ये नहीं कि दीगर पार्टियों में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हद से आगे गुजरना अच्छा नहीं है। भाजपा में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और जेडीएस से ही गए, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन खुलेआम इस्लाम मुसलमान मुस्लिम बुजुर्गों को खुलेआम कुछ भी कह दे और हम इसलिए खामोश बैठ जाए कि भाजपा का फला लीडर बुरा हो सकता है लेकिन हमारे शहर का बहुत अच्छा है, ये सोच गलत है, क्योंकि आखिरकार विचारधारा उसी जगह पर जाकर मिलती है जहां उनका मरकज होता है। आखिर मैं यही कहूंगा कि जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या, दिलो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अगले मौजू में आखिर रमजान किसका, रोजेदारों का या ताजिरों का? इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह हमारे सरकार को बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े अकीदतों के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े एहतराम के साथ हमारे सरकार को स्टेज पर लाया जा रहा है। अब हमारे कौम के शहर तो सब मुसलमानों को कहना चाहिए था, जैसे हमारे गोकाक में माशाल्लाह सुख शांति अमन सलामती है, हम ये चाहते हैं रमेश चंद्र जारकेवाड़ी आप सिर्फ गोकाक के लिए एमएलए न बने, हम ये चाहते हैं कि जो बैनर लगा हुआ है इसमें एक फोटो हमारे सरकार का है, एक हमारे मुख्यमंत्री का है। हमारी दिली दुआ है
हमारी दिली दुआ है अल्लाह हमारे सरकार को पूरे मुल्क का मुख्यमंत्री बना दे। मोदी जी की आएगी। मोदी जी क्यों लाना चाहती हैं आप, क्यों लगता है आपको कि मोदी जी? अच्छा लगता है, सबके साथ अच्छा करते हैं, हम लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, हिंदुओं के साथ भी अच्छा करते हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। गांधी कहते हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी, कोई काम नहीं कर रहे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मोदी जी नफरत फैला रहे हैं? जी नहीं। वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ा रही है लगातार। जी नहीं, महंगाई तो हो ही रही है शुरू से अब तक और ऐसे ही रहेगी शायद बस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशन जहां है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हूं और मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने 3 तलाक का काम करा है। महिला का घर टूट जाता था, आदमी फ़ोन पे ही तलाक दे देता था लेकिन अब वो नहीं दे सकता, अब आदमी डर गए हैं। मोहन भागवत जी हैं, इनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे भी हम बहुत अच्छा मतलब खुश हैं और अगले हम चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आएँ चुनाव में। मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास पर काम करते हैं। कहते हैं मोदी जी सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। ये राहुल गांधी का काम है, ये राहुल गांधी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और देश में नफरत राहुल गांधी फैला रहे हैं। ये सब झूठ है, मुसलमानों के खिलाफ होता तो आज हम मुसलमान महिलाओं का क्यों जुड़ते? आप यही देख लो कि हम जुड़ गए। 3 तलाक के कितने फायदे हुए हैं मुस्लिम महिलाओं? 3 तलाक के बहुत फायदे हुए मैम, के जैसे हम जिंदगी भर आदमी के साथ रहे और वो एक मिनट में हमें छोड़ देता था और हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज हमें ये लगता है कि तू छोड़ के दिखा, मोदी जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी की अभी ये बचकाना सोचे हैं, भारत का जो इकबाल बुलंद हुआ है पूरी दुनिया में वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और दुनिया में देश के लोगों को भी और देश को भी बुलंदी इज्जत एहतराम मिला है और राहुल गांधी पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं, क्या उनकी सोच है, कहाँ उनका दिमाग है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, इसीलिए कांग्रेस उनके रहते हुए कभी पनप नहीं सकती। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी नहीं, पप्पू गांधी जी। मैं तो कह रहा हूँ ये खिसक गए हैं। जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता वो अपने अपनी मतलब फैमिली को नहीं संभाल सकते, वो देश को क्या संभालेंगे वो लोग? 24 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रिपीट होंगे और अच्छे बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हो रही है, कह रही है इस बार हटा दें। जितना एकजुट होगी उतना पार्टी बीजेपी मजबूत होगी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा 24 में। वो खुद ही घर ही नहीं जुड़ पा रहा उनसे, देश कैसे जुड़ेगा? अभी गरीब नहीं जुड़ पा रहा। मुसलमानों के नाम पे राजनीति पिछले 60-65 साल से कांग्रेस करती चली आ रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 60-65 साल के अंदर मुसलमानों को माइनॉरिटीज को दबा के रखा, एजुकेशन से पीछे रखा, कारोबार से पीछे रखा। हमारे कोई धर्म गुरु नहीं है, इन जैसे टटपूंजियों ने ही देश के माहौल को खराब कर रखा है। मुसलमानों को डाइवर्ट करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुसलमानों को डराया जा रहा है। इन्होंने ये समझ लिए असदुद्दीन ओवैसी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हिंदू मुस्लिम का तासुब बोलते हैं, बीजेपी नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे देश के माहौल को खराब किया। योगी जी ने और जितने अपराधी हैं उन सब पर लगाम कसनी चाहिए। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी किसी बिरादरी का नहीं होता, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो। तो हमारा तो ये कहना है सभी लोगों से कि अगर तिलक लगाकर और भगवा पहनकर कोई अपराध कर रहा है हमारे हिंदू भाइयों को आगे आकर उसका मुखालफत करनी चाहिए, और अगर कोई इस्लामी लिबास पहनकर दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर गलत काम कर रहा है तो मुसलमानों सबसे पहले आकर उसका विरोध करना चाहिए। तो कौन सी राजनीति मुद्दा है? ये सब अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान समझ चुके हैं। 2022 में दिखा दिया है, अब 24 में दिखा देंगे मुसलमान और 27 में भी। अखिलेश यादव को जी खड़ा कर उत्तर प्रदेश।